भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा है कि हमने अपनी एयरलाइंस को यूक्रेन से उड़ान भरने से इनकार कर दिया है। इस प्लेन में कोई भारतीय नहीं था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मलेशियाई हादसे विमान में कोई भी भारतीय नहीं था। अशोक गजपति राजू, जो कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। अब से कुछ देर पहले तक ये खबर आ रही थी कि एक भारतीय इस विमान हादसे का शिकार हुआ, लेकिन अब भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले तक एक खबर आ रही थी कि पंजाब का रहने वाला शख्स जो कि मलेशिया में सेटल हो गया है, वो इस विमान पर सवार था, लेकिन किसी भी भारतीय के होने से इनकार कर दिया है। देखिए, अब ये वहां का एक कॉन्फ्लिक्ट जोन चल रहा है। वहां दुनिया में बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट जोन्स रहते हैं, मगर ऐसी टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल हुई है, ये जनरल का आर्म फोर्सेस के पास होता है। सो वट एवर इट इज, वी हैव टू बी सेफ विथ आवर सिटीजन्स। आवर सिटीजन्स आर आवर कंसर्न, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो आई थिंक इंडिया इज अलर्टेड इट्स ओन एयरलाइंस, जेट और एयर इंडिया, एंड दे आर अवॉइडिंग यूक्रेन एज ऑफ नाउ। So, और हमारा इंफॉर्मेशन भी ऐसा है कि नो इंडियन सिटीजन इज इन्वॉल्व, सो दैट इज देयर। कोई भी भारतीय नागरिक के हादसे का शिकार नहीं हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन के हवाई अड्डे से अब कोई भी जो भारतीय विमान है वो लैंड या टेक ऑफ नहीं करेगा। यूक्रेन में कोई भी भारतीय विमान अभी नहीं जाएगा, ये कहा है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विमान में कोई भी भारतीय नहीं था। सुदीप सिंधु नाम के एक भारतीय के होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस बात से इनकार कर दिया है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने। और इस वक्त आप 5 तस्वीरें देख सकते हैं, ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। ये पहली तस्वीर तो ठीक हादसे के वक्त की है, जब हादसा हुआ, मलबा गिरा तो कैसे धुआं उसमें से निकल रहा था विमान में से। रूस और यूक्रेन की सीमा पर यह हमला हुआ था, जिसके बाद MH-17 विमान ध्वस्त हो गया था, क्रैश हो गया था। 298 लोग, सभी लोग इस विमान हादसे में मारे गए हैं। 15 किलोमीटर तक मलबा बिखरा हुआ है इस विमान का। बक मिसाइल से हमला किया गया था इस विमान के ऊपर, जिसमें सभी 298 लोगों की जान चली गई है। और इस अटैक के बाद कई देशों ने रूट बदल दिया है। भारत के लिए भी, अमेरिका जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए इसी रूट को फॉलो करते थे भारत के विमान भी, लेकिन फिलहाल अब इस रूट से कोई भी भारतीय विमान नहीं गुजरेगा। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने अपने विमान का रूट चेंज कर दिया है। इस अशांत क्षेत्र के ऊपर से अभी कोई भी विमान नहीं गुजरेगा।